dear student. Hope you all are fine and safe at home. Welcome to class 5. Today I am explaining you chapter number 3 of computer. Come on page number 7. You have the third chapter, input peripherals. The devices used to give input to the computer are known as input devices. ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जो हम कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए कोई भी रॉ मटेरियल देने के लिए यूज करते हैं दीज आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेज दे आर द बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर एंड द ओनली मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन विद कंप्यूटर ये कंप्यूटर का बेसिक पार्ट्स होते हैं और अगर हमें कंप्यूटर से बात करनी है कम्युनिकेशन करनी है तो यही हमारा एक जरिया है इससे देर आर सेवरल इनपुट डिवाइसेज सच एज माउस कीबोर्ड जॉयस्टिक स्कैनर बारकोड रीडर वॉइस रिकॉग्नाइजर ट्रैकबॉल लाइट पेन एटसेट्रा हमारे पास बहुत सारी इनपुट डिवाइसेज है मुख्तलिफ कामों के लिए है जैसे आई हैव गिवन यू दीज एग्जांपल्स नंबर 1 इज माउस नाउ वी हैव एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज इनपुट डिवाइसेज अ माउस इज एन इनपुट डिवाइस दैट कंट्रोल द कर्सर ऑन द मॉनिटर स्क्रीन माउस हमारे पास इनपुट डिवाइस है जो हमें कंट्रोल करने में हेल्प करता है हमारी कि हम स्क्रीन पर इसे कर्सर को मूव कर सकें A mouse is easier and faster to use. इसको हम बहुत आसानी से और बहुत तेजी से यूज कर सकते हैं As compared to cursor keys on the keyboard. लेकिन अगर आप यही काम कीबोर्ड पर कर्सर कीज से करना चाहेंगे तो वो जरा डिफिकल्ट होगा A second input device is keyboard. This is the most commonly used input device. ये ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं अपने घरों में कीबोर्ड varies in shape and sizes. इसके बहुत सारे शेप होते हैं बहुत सारे साइजेस हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कंप्यूटर और ये किस पे डिपेंड करते हैं कंप्यूटर के टाइप पर नाउ द थर्ड वन इज जॉयस्टिक इट इज लाइक अ स्टिक फिक्स ऑन अ बॉक्स ये एक स्टिक की तरह होती है और एक बॉक्स के ऊपर फिक्स हुई भी होती है जॉयस्टिक कंट्रोल द कर्सर ऑन द मॉनिटर स्क्रीन ये मॉनिटर स्क्रीन पर कर्सर को कंट्रोल करती है इट इज मोस्टली यूज इन प्लेइंग कंप्यूटर गेम जब हम कंप्यूटर गेम वगैरह खेलते हैं तो हमें सपोज हम रेसिंग कर रहे हैं तो कोई भी चीज़ फॉरवर्ड बैकवर्ड टू एंड फ्रो करनी होती है तो हम वो जॉयस्टिक यूज करते हैं स्कैनर इट इज जस्ट लाइक अ फोटोकॉपिंग मशीन आप इसको फोटोकॉपी मशीन भी कह सकते हैं इट रीड्स एंड सेंड द इंफॉर्मेशन प्रिंटेड ऑन और हैंड रिटन डॉक्यूमेंट टू द कंप्यूटर कनेक्टेड टू इट अगर आपके पास सपोज कोई भी पिक्चर है कोई भी इंफॉर्मेशन है आपके पास जो प्रिंट हुई है और आप चाहते हैं कि वो कंप्यूटर पे आपको नजर आए लेकिन वो आप किस तरह सेंड करेंगे तो इसको स्कैनर पे जब आप रखेंगे तो ये कनेक्ट होता है कंप्यूटर से तो इस डॉक्यूमेंट्स को आप मॉनिटर स्क्रीन पर देख सकते हैं स्कैनर इज अ फास्ट एंड कन्वीनियंट इनपुट डिवाइस ये बहुत फास्ट होती है और बहुत ईजिली हम इसको यूज कर सकते हैं बार कोड रीडर द ब्लैक एंड व्हाइट लाइंस प्रिंटेड ऑन कर्टन लेबल्स एंड बुक्स आर कॉल्ड बार कोड्स और यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड्स आपने कॉपी में देखा होगा हम कभी कॉपीज देते हैं तो लाइन ड्रॉ हुई भी होती हैं या कर्टन वगैरह पे लाइन होती हैं बुक्स पर होती हैं कोई लेबलिंग वगैरह होती है तो ये काम सारा हम किस चीज़ के जरिए करते हैं इनपुट डिवाइस के जरिए बार कोड रीडर के जरिए करते हैं दे रिप्रेजेंट नंबर्स ये नंबर्स को रिप्रेजेंट करती हैं द नंबर्स आर कोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ईच लाइन्स और ये जो कोड होते हैं इंफॉर्मेशन के ये लाइन को डिस्क्राइब करते हैं लाइक वेट price, item, type, country of origin, etc. They can be read by barcode reader. और ये तमाम चीजें रीडिंग आप barcode reader के जरिए ही कर सकते हैं Voice recognizer. It is mainly used at security places. ये हमारे पास कहाँ यूज होता है Security places पर यूज होता है It matches the sound waves already recorded. और ये क्या करता है साउंड वेव्स को हमारी रिकॉर्ड कर रहा होता है जैसे आपने देखा आप आजकल कैमरे वगैरह भी चल रहे हैं उसमें भी वॉइस रिकॉग्नाइजर लगाया जाता है ताकि आवाज़ों को पहचान जा सके सुना जा सके ट्रैक बॉल इट इज सिमिलर टू माउस ये माउस की जैसी होती है द रोलर बॉल ऑफ द ट्रैक बॉल इज फिक्स इसमें एक बॉल फिक्स हुई भी होती है जो रोल होती है एंड स्पिन इन डिफरेंट डायरेक्शन टू मूव द कर्सर ऑन द स्क्रीन और ये डिफरेंट डायरेक्शन में स्पिनिंग करती है इस और हम इसके जरिए कर्सर को कंट्रोल कर सकते हैं इट इज मोस्टली यूज इन लैपटॉप कंप्यूटर और ये ज्यादातर हमारे पास किस में यूज होती है लैपटॉप में लाइट पेन इट हेल्प टू सिलेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द स्क्रीन बाय पॉइंटिंग टू देम आप इस पेन के जरिए क्या करते हैं कि स्क्रीन पर कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं अ लाइट पेन हैज अ लाइट सेंसर फिक्स एट द एंड ऑफ अ पेन शेप ट्यूब और इसमें सेंसर फिक्स होता है लाइट का जब लाइट उस चीज पर पड़ती है तो उसको पॉइंट आउट करती है द मोमेंट वी मूव द टिप ऑफ द पेन ओवर अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ द स्क्रीन सरफेस
जब हम किसी भी स्क्रीन की सरफेस पर स्पेसिफिक एरिया पे उस खास एरिया लेकर फैन को मूव करते हैं, इट इज एबल टू डिटेक्ट द लाइट कमिंग फ्रॉम इट. तो ये एबल होता है, इससे लाइट जो है उस पर पड़ती है. लाइट फैन डेवलप्स एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स डेवलप करता है. द सिग्नल्स आर टर्मिनेटेड टू अ प्रोसेसर, और फिर ये सिग्नल्स कहाँ पे चले जाते हैं, प्रोसेसिंग के लिए चले जाते हैं. विच आइडेंटिफाइज द मेन्यू ऑप्शन ऑन द स्क्रीन कॉलिंग सिग्नल, और इस तरह हम पहचान पाते हैं कि हमने कौन सी चीज सिलेक्ट की है, कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया है. टच सेंसिटिव पैड, टच सेंसिटिव पैड्स और ट्रैकर पैड्स आर कॉमनली फाउंड ऑन नोटबुक कंप्यूटर. कंप्यूटर की टाइप होती है नोटबुक, इस पर हमारे पास ट्रैक पैड्स होते हैं. यू मूव योर फिंगर अक्रॉस अ पैड एंड दिस मूव द कर्सर ऑन द स्क्रीन. जब आप इस पे फिंगर टच करते हैं तो ये स्क्रीन पे कर्सर को मूव करता है. टच स्क्रीन चीज़ें आपने बहुत सारी देखी होगी, अब तो मोबाइल भी टच आ गए हैं आपके पास, नोटबुक्स भी टच आ गई हैं, कैमरे भी टच आ गए हैं DSLR में. मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर, यू कैन सी मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर ऑन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड. आपने डेबिट क्रेडिट कार्ड देखे होंगे, उस पर लाइन्स होती हैं. ये ATM कार्ड पर भी आपने देखी होंगी. At the side of computer, you would leave seen an electrical points of sale terminal while read the magnetic stripe of credit card. जब आप इस क्रेडिट कार्ड को स्क्रैच करते हैं, जब आप इसको ATM कार्ड को मशीन में डालते हैं, तो इस पर आपने देखा होगा गोल्डन कलर की लाइन्स होती हैं, स्ट्राइप्स होती हैं. जब इसमें जाती हैं तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से जब अटैच होती हैं तो फिर ये रीड करती हैं कि जैसे हमें अमाउंट मालूम करनी है या कैश करना है, फिर ये हमें ऑप्शन देती हैं. थैंक यू.